पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ईआरसीपी पर चल रही सियासी जंग के बाद अब कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने ईआरसीपी का काम रोकने की मांग के साथ शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है और तर्क दिया है कि राजस्थान सरकार ने बिना एमपी सरकार की स्वीकृति लिए अपने स्तर पर काम शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश को उनके हक का पानी नहीं मिल सकेगा। देखिए ये रिपोर्ट। ईआरसीपी मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। कोटा जिले में काली सिंध नदी पर बड़ोद के पास बन रहे नौनेरा बांध पर आपत्ति जताते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सीएम गहलोत ने इस पर पलटवार किया और कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ईआरसीपी के काम पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका की है वो राजस्थान को अपने हिस्से के पानी से वंचित करने का प्रयास है। सीएम गहलोत के निशाने पर एमपी सरकार है। कहा कि ईआरसीपी काम रुकवाकर पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के हक का पानी रुकवाने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार के सुप्रीम कोर्ट में जाने से पीएम मोदी के फॉर्मूले की पोल खुल गई है। पिछले दिनों पीएम मोदी जब दौसा दौरे पर आए थे तब उन्होंने राजस्थान को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने का वादा किया था। गहलोत ने ये भी कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की बातों की भी पोल खुल गई है। प्रदेश सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाना ईआरसीपी को लेकर के उसे मैं समझता हूँ कि जो राजस्थान के मंत्री हैं जल संसाधन मंत्री उनके बातों की पोल खुल गई। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर कहा, मोदी जी ने दोसा के अंदर नया फॉर्मूला दिया था वो भी एक्सपोर्ट हो गया। जो बीजेपी के शासन में जिस प्रकार से योजना बनी थी सोच समझ करके मध्य प्रदेश राजस्थान के अंदर जो बीच में समझौता हुआ उसका आधार में बनी थी और 2010 की गाइडलाइन जो थी जल केंद्रीय जल आयोग की उसके आधार में बनी है, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से राजस्थान में जो काम चल रहा है उस काम को नौनेरा बांध का उस काम को रुकवाने के लिए चले गए मध्य प्रदेश वाले। पूरी तरह केंद्र सरकार के मंत्री और केंद्र सरकार खुद ही एक्सपोज हो गई है कि एक राज्य के हितों को बलि देने के लिए किस प्रकार से बीजेपी राज्य आगे आया है और सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि काम भी रोक दो। इससे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात क्या होगी। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए। अभी आके गए राजस्थान, वो पूरे केस को दिखवाए। मध्य प्रदेश को किसके इशारे पे गए वो लोग ये सोचने की बात है। राजस्थान की जनता में बहुत आक्रोश है, उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, नतीजे भुगतने पड़ेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच हुए समझौते के तहत ही पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने सोच समझ कर इस प्रोजेक्ट को तैयार किया था। सीएम ने कहा कि साल 2010 की केंद्रीय जल आयोग की गाइडलाइन के आधार पर यह परियोजना बनी थी, बावजूद इसके राजस्थान में चल रहे काम को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। इस पर रोड़े अटकाने का काम क्यों किया जा रहा है? मध्य प्रदेश सरकार किसके इशारे पर सुप्रीम कोर्ट गई है? पीएम मोदी को इस मामले पर हस्तक्षेप करना चाहिए। एक राज्य के हितों की बलि देने के लिए बीजेपी शासित राज्य की मांग ठीक नहीं है। राजस्थान सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। प्रदेश की जनता में आक्रोश है और नतीजे बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आरसीपी राजस्थान और मध्य प्रदेश अंतरराज्यीय स्टेट कंट्रोल बोर्ड बैठक निर्णय मुताबिक बनाया था। इसी निर्णय को आधार बनाकर मध्य प्रदेश ने कुंडलिया और मोहनपुरा बांध बनाया। सीएम ने कहा कि आंकड़ों के मुताबिक हर वर्ष चंबल में औसतन 19,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी व्यर्थ बहकर समुद्र में जाता है और ईआरसीपी के लिए केवल 3500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट के जरिए राजस्थान सरकार पेयजल और सिंचाई जल की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।